नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ के काकोरी में एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी, अलकायदा में छिपे दो आतंकी पकड़ाए, तीन कमांडो की तलाश जारी, एटीएस ने गंभीरता दिखाते हुए इलाका किया सील। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून है जरूरी, जीका वायरस पर जताई चिंता। राजधानी के शाहपुर में मंदिर के शेड तोड़ने का मचा बवाल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। शाहजहांपुर में जिला योजना समिति की हुई बैठक, कांग्रेस विधायक ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा विकास हो गया है पागल। शमशाबाद के पास भोपाल से चंदेरी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, घटना में 16 यात्री हुए घायल, 6 की हालत गंभीर, बस पंचर होने के कारण ड्राइवर ने खोया संतुलन। और अब खबर विस्तार से। लखनऊ के काकोरी में यूपी एटीएस के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल एटीएस को एक गैरेज में अलकायदा के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर लगी थी। आपको बता दें कि कार्रवाई के बाद दो आतंकियों को पकड़ लिया गया है, जबकि तीन घरों में कमांडो की तलाश जारी है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और इस बात पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो। साथ ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सबको योगदान करना चाहिए। वहीं जीका वायरस पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ में ना डाले और उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। इस पृथ्वी पर, इस पूरे नेचर में हर चीज की एक सीमा है, चाहे हम जमीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, और उसके लिए जरूरी है कि उसका दोहन करने वाले, उसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी नियंत्रित रहे। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण में जरूर अपना योगदान देंगे। राजधानी भोपाल के शाहपुरा में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 20 सेक्टर में बने दुर्गा मंदिर का शेड तोड़ दिया, जिसके बाद क्षेत्र में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। आपको बता दें कि कई वर्ष पहले यहां एक मंदिर बनाया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने टीन का शेड बनवा दिया था, जिसे एसडीएम ने नगर निगम की टीम के साथ तोड़वा दिया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की, इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। शाहजहांपुर में जिला कार्य योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बैठक में कांग्रेस विधायक ने सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए अफसरों की लापरवाही को उजागर किया। इसके साथ ही देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर भी सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, जो लोग जिस वादे के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो किसानों को दावादा करके आए थे कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, पेट्रोल डीजल पे नंगा नाच करा करते थे, और जब गैस की टंकी 380 रुपये हुआ करती थी, पेट्रोल और डीजल 50 और 65 हुआ करता था, तो कहा करते थे कि ये महंगाई डायन हो रही है। और आज जब $140 से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होकर 75 के आसपास आ चुकी है, और तेल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, और पूछो तो कहते हैं कि ये विकास हो रहा, इनका विकास पागल हो चुका है। खाने के तेल की कीमतें बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, हर तरफ लागत बढ़ती जा रही है, आर्थिक परेशानियों में आम जनता है। और इनके मंत्रियों से जब पूछो तो कभी साइकिल चलाने का कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये थोड़ा दुख आता है, उसके बाद सुख आता है। दुख और सुख की बात करना छोड़ दें, जनता प्रताड़ित है और जनता की स्थिति गंभीर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी है, स्पष्ट है। जनता हाथ जोड़ रही है कि ऐसे अच्छे दिन छोड़ के वही पुराने वाले खराब दिन ला दो, जिसमें पेट्रोल डीजल सस्ता मिला करता था, गैस की टंकी और खाने के तेल की कीमतें सही मिला कर। शमशाबाद के पास भोपाल से चंदेरी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, घटना में 16 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बस पंचर होने के कारण ड्राइवर बस तेज चला रहा था, इसी दौरान नया गोला नारजा खेड़ी के पास ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस पलट गई। वहीं घायलों का इलाज जारी है।
भारत सरकार के नवनियुक्त उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिंधिया ने अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए स्पाइस जेट की 8 नई उड़ानों को मंजूरी प्रदान की है। सभी उड़ानों के प्रारंभ होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के नागरिकों का संपर्क बढ़ने के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बता दें कि यह उड़ानें 16 जुलाई से प्रारंभ होगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2001 में कांग्रेस सरकार ने कानून पारित किया था, लेकिन 2005 में बीजेपी सरकार ने जनसंख्या कानून रद्द किया। साथ ही कहा कि 15 साल से यह कानून लागू होता तो यह नौबत नहीं आती और बीजेपी के लोग झूठे हैं, मुखौटे की राजनीति करते हैं। कर रही है ये बहुत ही पाखंडी और ढोंगी सरकार है। 2001 में कांग्रेस की सरकार ने ये कानून पारित किया था और 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो इन्हीं शिवराज सिंह ने उस कानून को रद्द कर दिया। अब जो है बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं आज 15 साल बाद। अगर ये कानून 15 साल से चल रहा होता है इस मध्य प्रदेश में तो ये नौबत आती क्या? तो ये झूठे लोग हैं, मुखौटों की राजनीति करते हैं, रोज़ एक नया मुखौटा लगा के अखबारों में फ़ोटो छपवाते हैं। इनका जो है गरीबों से, इनका जो है जनसंख्या से, इनका जो है देश के विषयों से क्या सरोकार है? 15 साल से ये 2005 में इन्होंने क्रैश किया इस कानून, हमारी सरकार ने तो बनाया था, हमने 4 साल लागू किया, हमने लोगों को कॉल बैक किया, हमारी सरकार ने लोगों के जो है निर्वाचित चुनाव रद्द किए इस आधार पर। और ये फिर वही जलेबियां सीरा पीने लगी। पन्ना जिले में इन दिनों भूमाफियाओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि कटनी मुख्य मार्ग पर निवासरत 6 आदिवासी परिवारों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी अनुसार ये आदिवासी परिवार लगभग 100 वर्षों से इसी जगह पर रहते हैं। वहीं दबंगों ने 4 से 5 ट्रैक्टरों से आदिवासियों की बाड़ी और पेड़ तोड़ दिए, जिसकी शिकायत आदिवासियों ने पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आदिवासियों को उनका हक मिल पाता है या फिर भारी बरसात में ऐसे ही भटकते रहेंगे। जबराई में लागो कोरी बाबा पैसा भर भर सर के देवर हम नथु को आदिवासी के छोड़ाओ ते अपने नाम में करवाओ। सात प्यारे गुजर गई है तैसे हो, सब मर गए, हमें 2 ससुर मर गए, सास मर गई, हमें आदमी खत्म हो गए, और आज हमारे आदमी नहीं है, सजा डोका चढ़ चढ़ गया। काफी दिनों से विवाद चल रहा है, इस संबंध में स्थानीय हवाई एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम, थाना प्रभारी और अभी प्रभार में जो डीओपी अभिषेक गौतम जी हैं उनसे बातचीत की है और उन्हें बताया है कि इनका जो भी वैधानिक निराकरण है इनके दस्तावेज चेक किए जाएं कि जमीन का स्वामित्व किसी के पास है और इनमें कौन लीगल पार्टी है जो इस जमीन को रखती है, तो उसका एसडीएम और तहसीलदार मैडम ने आश्वासन दिया है कि उसका शीघ्र निराकरण करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी दोनों पार्टियों में इसी मामले को लेकर विवाद हुए हैं, तो हम लोग इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। धार के एक होटल से लाखों रुपए का ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था। जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 नामी सटोरियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बताया जाता है कि सभी आरोपी सफेदपोश में वर्षों से इस गोरख धंधे में लिप्त थे। वहीं मौके से पुलिस ने सट्टा में उपयोग होने वाले वाईफाई ऑपरेटर करने वाला कम्युनिकेशन गैजेट और कई अन्य सामान जब्त किए हैं। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आईपीएल का सट्टा जो है त्रिमूर्ति में स्थित जो बालाजी होटल वहाँ पे चल रहा है, जिसमें थाना कोतवाली टीआई पवार के निर्देश साथ में सब इंस्पेक्टर भास्करी और उनकी टीम वहाँ पे एक दबिश दी। दबिश में वहाँ पे कुछ लोग मिले, 5 लोग जिनके नाम है राजू, अशोक, आनंद, अंकित और विक्रम, ये मिले। इनके साथ बहुत सारे गैजेट्स मिले हमें, जिसमें वाईफाई ऑपरेट करने वाला पूरा एक कम्युनिकेशन गैजेट और उसके अलावा सीडी, मोबाइल 21 मोबाइल, लैपटॉप, बिजली के इनके एक्सटेंशन बोर्ड,
स्टील के डब्बे मिले हैं। स्टील के डब्बों के अंदर चिप्स थे जिसमें 10 से लेके 1 लाख तक के चिप्स होते हैं, जिसके लेन देन का इनका लेखा जोखा रहता था उसमें। उसके अलावा इंटेक्स कंपनी की टीवी, रिमोट और सेटअप बॉक्स मिला है। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री भाजपा जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद जयंत परियोजना की कोल खदान का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सिंगरौली जिले में विकास के अपार संभावनाएं हैं और संसाधनों के माध्यम से विकास कार्य किए जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट है और जो आरटीपीसीआर का जो हमारा मशीन लगने का है, क्योंकि मैं सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक बड़ा अमाउंट इसके लिए दिया है और उसमें जो भी और राशि लगेगी वो कलेक्टर महोदय उसमें कहीं ना कहीं से उससे जोड़ के और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देखने में आया था लास्ट कोविड लहर में कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेट आने के कारण लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते थे, जिस कारण से उनके मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी देने में दिक्कत होती थी। इसलिए यदि वो मशीन लग रही है और ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं और हमारे बाकी जो बेड्स हैं उनको हम आईसीयू में हमने कन्वर्ट किए हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी चल रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं था कि एक और वायरस ने प्रशासन की चेतनाएं बढ़ा दी हैं। बता दें, जीका वायरस को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल केरल में जीका वायरस के 14 संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त CMHO को अलर्ट करके निर्देश जारी किए हैं। साथ ही केरल से आने वाले यात्रियों को भी जाँच की जा रही है। जानते हैं कि 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने के लिए हम अपने आप को फिर से जागरूक करते हैं और साथ में जो हमारे देशवासी हैं उनको भी जागरूक करते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो हमारे साधन हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर हम इसी तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे पास साधनों की कमी हो जाएगी। और इस दिवस को सिर्फ जनसंख्या दिवस के रूप में न मनाते हुए पूरे माह को हम विश्व जनसंख्या माह के तौर पर मनाएंगे, जिसमें आपको मालूम है कि इस समय परिवार नियोजन के विभिन्न तरह के साधन स्थाई और अस्थाई हमारे पास मौजूद हैं। कुछ जो साधन हैं वो अपने आप लोगों को अपने जिसको कहते हैं बास्केट ऑफ चॉइस में से वो चुन सकते हैं। अलग अलग उम्र के अलग अलग, जैसे अगर कोई नली पैरा या ऐसा लोग जिनके पास जिनका अभी कोई भी इशू नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, उनके लिए अस्थाई साधन उपलब्ध हैं अलग। जिनका एक या दो बच्चे हो चुके हैं उनके लिए परिवार नियोजन के स्थाई साधन, जैसे हम पुरुष और महिला नसबंदी कहते हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं और हम लोग पूरे साल इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। पर विश्व जनसंख्या माह या विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचा पाएं। भिंड जिले में नकली मावा बनाने वाले मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पुलिस को सूचना मिली कि नरवरिया डेयरी पर मिलावटी खोवा और घी तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी गई और टीम के साथ दबिश देकर डेयरी संचालक पर कार्रवाई करते हुए 1.5 क्विंटल खोवा, 58 टन नकली घी के साथ 5 लाख रुपए का मिलावटी सामान जब्त किया है। शाजापुर में लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव का भाजपाइयों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई गई। एक ओर जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सरियाम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। विदिशा में रेल पटरी के किनारे नवजात बच्ची के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी लगते ही आरक्षक रवि प्रकाश यादव, बीजी पाटिल और पायलट अशोक अहिरवार मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते मासूम को
तड़पता हुआ रेल की पटरियों पर छोड़कर चला गया था। बहरहाल नवजात को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। छिंदवाड़ा के परासिया में डिवाइडर निर्माण में अनियमितता देखी जा रही है, जिससे आने वाले भविष्य में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। जानकारी अनुसार इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके डर से रहवासियों ने ठेकेदार के गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायत विधायक सोहन वाल्मीकि और SDM से की थी, जिसके बाद विधायक ने डिवाइडर की जांच कर निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता को सुधारने का आश्वासन दिया। डिवाइडर लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा है, क्योंकि डिवाइडर जो बनाया जा रहा है वो नोकदार बन रहा है। नोकदार डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, डिवाइडर बनना चाहिए गोलाईदार बनने, जिसमें कल को अगर कोई उससे टकराता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है ये डिवाइडर जो बन रहा है। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है और जनता की हित के लिए ये डिवाइडर को नोकदार बनवाने के बनवाया जाए, इसको रोका जाए, बिल्कुल न रहे, क्योंकि जब कभी घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होते हैं तो कॉलर से आदमी को एकदम तुरंत बहुत गंभीर चोटें लगती है। तो जानबूझ के हम जो खड़ी कॉलर छोड़ रहे हैं, तो मेरा डिजाइन वाले इंजीनियर से जो उसके ठेकेदार है उनसे मेरा आग्रह है कि जो साइड की जो वॉल है डिवाइडर की उसको आप थोड़ा सा प्लेन कर दीजिए, ताकि कभी कोई गिरे साइकिल घटना घटे भी तो उसको कोई चोट नहीं लगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आज का जमाना बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो इसमें जो घटनाएं घटती हैं हो जाती है, कभी 2-व्हीलर 4-व्हीलर ऑटो वाले घटना घटनी है, तो उससे हम कम से कम अपनी तरफ से डिजाइन उसकी ठीक कर दें, ताकि लोगों को दुर्घटना न हो और उनको राहत मिले, ऐसा मेरा SDM महोदय से अनुरोध है। नगर कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ ये जो डिवाइडर बन रहा है उसे आपत्ति लगाई थी SDM साहब को, और आज SDM साहब ने यहाँ पर निरीक्षण करने यहाँ पर आए। जो डिवाइडर बन रहा है उस डिवाइडर को कुछ आवश्यक जगह छोड़ना बहुत जरूरी है, जहाँ से प्रतिदिन लोग सैकड़ों की संख्या माना जाना करते हैं जिनका रोजमर्रा का काम चलता है, मगर जो डिजाइन बना था वहाँ पर रोड नहीं छोड़ी जा रही थी। तो आज हम लोग ने यहाँ पर SDM साहब को बुलाया, तहसीलदार साहब को बुलाया और विभाग जो बना रहा उसको बुलाया और उनको बता दिया कि कहाँ का जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ डिवाइडर नहीं बनाना, वहाँ रोड छोड़ना है, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। इस बात के लिए सहमति बनी है और अभी SDM साहब ने ये साहब को बुलाया है और वो जो MPRDC के ये है बैठ के वो तय कर देंगे, और जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ हम लोग रोड जो बनारा डिवाइडर उसको छोड़वा दिया जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। छत्तीसगढ़ में BJP पदाधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है, इसी क्रम में आज महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री इंदुबाला गोस्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी, जानकारी अनुसार BJP महिला मोर्चा प्रदर्शन भी करेंगी। बताया जाता है कि शराबबंदी के मुद्दे पर BJP युवा मोर्चा कांग्रेस भवन का घेराव करेगी। राजधानी भोपाल के बैरसिया में गरीबों के सपनों का आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना के 82 हितग्राहियों को विधायक विष्णु खत्री के सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि दी गई। आपको बता दें कि बैरसिया में अभी तक 2216 लोगों को PM आवास योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं योजना से लाभान्वित गरीबों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। जो लोग पक्के मकानों का सिर्फ सपना देखते थे, वे आज खुद पक्के मकान में रह रहे हैं। 82 हितग्राहियों के खाते में 1-1 लाख रुपए की द्वितीय किस्त यहाँ पर सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली गई है। ये बहुत सारे हितग्राही बहुत समय से लगातार इनकी मांग थी कि हमारी पहली किस्त का हमने से उपयोग कर लिया है, दूसरी किस्त की राशि वो डाल दी जाए, और SDM साहब हम लोगों ने बैठकर इसका प्लान किया, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस बरसात के समय में इन लोगों के खाते में ये राशि पहुँच रही है। इससे निश्चित रूप से इनका घर का सपना साकार हो रहा है और ये इसका सदुपयोग करके अच्छे से अपना जीवन यापन इस घर के अंदर कर पाए। रतलाम जिले के आलोट न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पक्षकार 1.5 वर्ष पूर्व अपने पिता की एक्सीडेंट में हुई मौत का क्लेम लेने आया था। बता दें कि शासन ने युवक का क्लेम 3,50,000 रुपए पारित किया था, उसी दरमियान युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद युवक को तुरंत शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो इसमें नारायण सिंह के पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो मैंने नारायण सिंह, उनकी माताजी भोली बाई की तरफ से मैंने क्लेम लगाया था, तो उसमें आज दोनों पक्षों की बीमा कंपनी एवं आवेदक गण की सहमति से आज राजीनामा हो गया था, तो इसलिए वो न्यायालय में आए थे। उनका 3.5 लाख रुपया मंजूर भी हो गया, स्वीकार भी हो गया था, इसी क्लेम में वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए थे, वो साइन कर चुके थे
उनके प्राइमा फेसी बयान भी हो गए थे माननीय न्यायालय में, उसके बाद उनको ऐसा घबराहट महसूस हुई तो मुझसे कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा कि तुम दवाई वही ले आओ और अस्पताल चले जाओ। तो वो अस्पताल जाकर आए, गोली भी ली उन्होंने। उसके बाद माननीय नेहा जी मौर्य की अदालत के सामने वो मूर्छित होकर गिर पड़े, उनको तत्काल अस्पताल ले गए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक बार फिर भाजपा पर हमला किया। सलूजा ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा कि कमलनाथ ने जब उज्जैन में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े जारी किए थे, तब भाजपा सरकार कमलनाथ पर हमलावर हो गई थी और उन पर FIR करवा दी गई थी। वहीं उज्जैन के महिला बाल विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के अनुसार अभी तक 1316 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि उज्जैन का जिला प्रशासन अभी भी मात्र 171 लोगों की मौत ही बता रहा है। बैरसे के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक हफ्ते में जारी वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत एक हफ्ते में 140 स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। वहीं अध्यक्ष नरेश दागी ने कहा कि शासन प्राइवेट संस्थाओं से भेदभाव कर रही है। इस दौरान विधायक विष्णु खत्री एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दागी, प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह और सभी स्कूल के संचालक मौजूद रहे। सबसे अच्छी बात है बरेसिया के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ है, मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं और उसी में हम लोगों ने अपने दुख सुख की बात भी कर ली है और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्कूलों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग 12 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और 13 तारीख को अपने विद्यालय की चाबी भी सौंप देंगे। जब तक हमारी 5 सूत्री मांगें पूरी नहीं होंगी, हम न ऑनलाइन पढ़ाएंगे न ही कोई काम करेंगे न अपना विद्यालय खोले। देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वधान में विगत एक हफ्ते से हम लोगों ने वृक्षरोपण और सदस्यता अभियान चलाया था। तो इसका प्रारंभ इंटेलिजेंट कॉन्वेंट स्कूल से हुआ था 3 जुलाई को और उसी के तहत आज ये समापन हमने देव कृपा विद्या मंदिर में रखा है। साथ ही हमारे एसोसिएशन की जो समस्याएं हैं हमारे स्कूल संचालकों को शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको लेके कुछ ठोस निर्णय आज हम लोगों ने किए हैं। शासन प्रशासन मान्यता और उसके नाम पर निरीक्षण परीक्षण के नाम पर हमारे विद्यालय के संचालकों को परेशान कर रहे हैं, उसको लेके हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता की थी कि अगर शासन प्रशासन हमारी कोरोना काल में आर्थिक मदद नहीं करता और विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं देता है। भोपाल के गांधीनगर में मंदिर के खुलने से पहले शराब के ठेकों को खोल दिया जाता है। बता दें कि शराब की दुकानों को खोलने का समय 9:30 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन 5:30 बजे से शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस को सारी जानकारी होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहीं शिवहरे लिंकर से प्रबंधन का कहना है कि उन्हें ब्लैक में बिक रही शराब की जानकारी अभी मिली है। देवास में LPG गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस नेताओं ने गैस सिलेंडर का तालाब में विसर्जन कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सिर पर लकड़ी के गट्ठे उठाए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान PM मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों का घरेलू बजट बिगाड़ कर रख दिया है। प्रदर्शन के वक्त शहर अध्यक्ष मनोज राजानी, पूर्व महापौर अजय जय सिंह ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम देवास में मीठा तालाब में पहुंचे हैं। मीठा तालाब में हमारे द्वारा टंकी के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज टंकी हमने तालाब के अंदर फेंकी है और लकड़ी उठाई है, जिससे कि हम नरेंद्र मोदी जो हमको आदिम काल में लेके जा रहे हैं उसके लिए हमने विरोध किया है। क्या किस तरह का जो टंकी फेंकने का क्या उद्देश्य है आपका? टंकी ये आने वाले टाइम पे इसका उद्देश्य यही है कि इतने रेट बढ़ा दोगे तो सब टंकी ऐसे ही पानी में फेंकेंगे और सब लकड़ी लेकर, अब ये लकड़ी का कटरा हमारे घर लेके जाएगी। अच्छा, इससे ही लकड़ी के कटरे से खाना बनाएंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।